हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। और आज के जो वीडियो है वो वैक्स के ऊपर है। मैं बताने वाली हूँ कि मेरे पार्लर में कौन कौन से वैक्स अवेलेबल होते हैं एंड कौन से वैक्स के क्या प्राइस है, और हमें हमारे पार्लर में कौन से वैक्स का क्लाइंट को हम कौन से प्राइस में हम वैक्स करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनको एक दो वैक्स पता है, बाकी वैक्स की पता नहीं है। एंड बाकी वैक्स क्यों करवाते हैं, और जैसे हनी वैक्स है, चॉकलेट वैक्स है, इसके क्या प्राइजेस है, और अधिकतर होने वाले यही वैक्स हैं, इसके अलावा और वैक्स उनको पता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि और कौन कौन से वैक्स हैं, और बाकी जो लो प्राइस वाले वैक्स है उससे अच्छी वैक्स है जो थोड़ा हाई प्राइस में है, उसकी जो रिज़ल्ट है उसके कैसे रिज़ल्ट है, एंड क्लाइंट्स को क्यों करवाना चाहिए। बहुत से क्लाइंट्स को देखे हैं मैंने कि जो लो प्राइस होते हैं ना, 150 तक या 200 तक, इतने तक का ही वैक्स करवाते हैं, क्योंकि उनको वैसे भी नहीं पता है कि इससे और अच्छा वैक्स कौन सा है। क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि मैम ये वैक्स है, आप देख लो आपको कौन सी करवानी है, आप हमें बता दो। तो मैं मेरे पार्लर में जो वैक्स हैं, 5 टाइप्स के वैक्स हैं अभी जो मैं कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर। जो वैक्स सबसे ज़्यादा जाते हैं वो है 5 टाइप्स के मेरे पास वैक्स हैं जो सबसे ज़्यादा जाते हैं। ये जितने भी मेरे बताऊँगी जो मेरे पार्लर में मैं करती हूँ एंड जिसके प्राइस भी लो हैं, एंड लो भी बताऊँगी एंड हाई भी बताऊँगी, ठीक है। सबसे कम प्राइस में कौन से वैक्स जाती है एंड थोड़ा हाई में कौन सी वैक्स जाती है, एंड इन सभी में डिफरेंस भी बताऊँगी कि इन सभी में डिफरेंस क्या है, किसी को क्यों थोड़ा हाई वाले करवाना चाहिए। बहुत से लोगों की मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने ये देखा कि लोग कह रहे हैं कि जितने भी वैक्स है ना उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। मेरा ये मानना है, मैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए मैं यही कह सकती हूँ कि मेरी जितनी भी मैंने अभी तक जितनी भी क्लाइंट्स के ऊपर वैक्स किए हैं या फिर, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे लो प्राइस वाले वैक्स बताऊंगी। सबसे पहले कम से जाते हैं हम ऊपर तक, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पार्लर में वैक्स जाने वाली है वो है हनी कोल्ड वैक्स। हनी स्मूथ कोल्ड वैक्स है जो मैं यहाँ पे देती हूँ अंडर आर्म्स एंड आर्म फुल आर्म्स अगर कोई वैक्स करवाते हैं तो मैं 150 की ये वाली वैक्स देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा लो प्राइस में आप अगर बोलो, लो बजट में, तो सबसे कम बजट में यही वैक्स जाती है और सबसे ज़्यादा जाती है, ओके। एंड इसके अलावा जो है एलोवेरा वैक्स, ये भी हनी स्मूथ एलोवेरा वैक्स है, तो ये जाती है उनके जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा ही रेडनेस हो जाती है एंड वैक्स करने के बाद भी दाने आ जाते हैं, रेडनेस आ जाते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स पहले ही बता देते हैं कि मैम हमें एलोवेरा वैक्स सूट करती है तो हमें वही करना है, एंड स्किन के अकॉर्डिंग हम वैक्स लेते हैं। तो ये हनी वैक्स उन पर जाती है इसका, और मैं अपने पार्लर में इसका लेती हूँ। इसका जो प्राइस है, अगर अंडर आर्म्स एंड फुल आर्म्स कोई करवाते हैं तो ये मैं 200 तक में करती हूँ, ओके। इसके बाद जो जाने वाली वैक्स है वो है हनी स्मूथ की चॉकलेट वैक्स। चॉकलेट वैक्स हम कोई भी स्किन पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी वैक्स है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, एंड मेरे पार्लर में जो जाने वाला प्राइस है वो है 250। मैं 250 में ये वाली जो वैक्स देती हूँ अंडर आर्म्स एंड फुल आर्म्स, ओके। तो ये चॉकलेट वैक्स है और ऑल स्किन टाइप से कोई भी करवा सकते हैं, एंड जो हनी का मैंने ये फर्स्ट वाली वैक्स बताई ये भी ऑल स्किन टाइप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी स्किन को ये जाती है, ओके। उसके बाद फोर्थ नंबर है, ये है बीन वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स। इसे आप बीन वैक्स भी कह सकते हो, ब्राज़ीलियन वैक्स भी कह सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि मैंने किसी की वीडियोज़ देखी थी, कितनों की वीडियोज़ देखी हैं, तो वहाँ पे ये बता रहे हैं लोग कि रिका वैक्स है या ब्राज़ीलियन वैक्स है या कटोरी वैक्स है, हनी वैक्स है, चॉकलेट वैक्स है या फिर एलोवेरा वैक्स है, इन सभी वैक्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि डिफरेंसेस है, जो हनी वैक्स है, जो चॉकलेट वैक्स है, अगर हम वो वाली चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स लेते हैं तो 1 मंथ के बाद ग्रोथ फिर आ जाती है, लेकिन अगर हम रिका वैक्स लेते हैं और अच्छी क्वालिटी की वैक्स लेते हैं तो वो अगर आप 6 मंथ कंटिन्यू लेते हो, 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद, मैं पक्का नहीं बता रही हूँ कि आप 6 मंथ ही आप कंटिन्यू लो,
फोर मंथ भी ले सकते हो। इसके बाद आपका जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है, वो धीरे धीरे कम होती है। जो जो रीका वैक्स है उससे जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वैक्स में ये डिफरेंसेस है। अगर आप ये हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स लेते हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हर मंथ आपको करवाना ही है। लेकिन अगर रीका वैक्स और बीन वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स अगर लेते हो थोड़ी अच्छी क्वालिटी में, हाई बजट में, तो उसके जो हेयर ग्रोथ है, हैंड के हो या लेग्स के हो या बॉडी के हो, धीरे धीरे ग्रोथ कम आने लग जाती है। तो इसका फ़ायदा है। मैं अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वैक्स ले रहे हो तो आप थोड़ा अच्छे में ले सकते हो। जो हर मंथ परेशान होते हैं, हर मंथ हमें हेयर वैक्स करवानी है, कईयों को दर्द होती है, कोई दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, कई लोगों को वैक्स करवाने के बाद दाने आ जाते हैं, तो अगर आप अच्छी वैक्स लेते हो तो 6 मंथ तक आपके ग्रोथ धीरे धीरे आएगी, तो सबसे अच्छी यही रहेगी। एंड ये बीन वैक्स है और ये इसे ब्राज़ीलियन वैक्स भी कह सकते हैं। और ये वाली वैक्स दानों में आती है, आप देख सकते हैं ये दाने दाने हैं, और ये भी बहुत अच्छी वैक्स है। और ये वाली वैक्स करने का जो तरीका है वो अलग है, मैं आपको इसकी वीडियोस बना के मैं दिखाऊंगी कि इसे हम कैसे गर्म करते हैं हीटर में, और इससे हम कैसे वैक्स करते हैं, जैसे हनी वैक्स करते हैं, चॉकलेट वैक्स करते हैं, ये उसमें से नहीं है, इसे थोड़ा अलग करते हैं। जैसे आपने कटोरी वैक्स देखा होगा, अगर स्किन पर कटोरी वैक्स जाती है, अभी मेरे पास कटोरी वैक्स नहीं है एंड बहुत सारे वैक्स हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि और बाकी कौन कौन से वैक्स हैं। एंड ये बीन वैक्स है, चॉकलेट वैक्स के बाद ये जाती है, और ये बीन वैक्स मैं अपने पार्लर में करती हूँ 300 का। अगर आप अंडर आर्म्स एंड आर्म्स करवाते हो, जाती है मेरे पार्लर में, और ये बहुत ही अच्छी वैक्स है। और सबसे ज़्यादा अगर हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स जाती है, उसके बाद बीन वैक्स एंड रीका वैक्स भी जाती है, क्योंकि इसका जो बजट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग ही काम करवाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं रीका वैक्स। ये रीका वैक्स है, आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, इससे मैं काम कर चुकी हूँ। तो ये 5th नंबर में रीका वैक्स है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी वैक्स है, क्योंकि अगर ये वाली आप वैक्स करते हो, करवाते हो, मैं भी यही लेती हूँ वैक्स हर मंथ। मैं आपको वीडियो कभी बना के दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपने ऊपर कोई काम करवाती हूँ तो कभी कभी ही वीडियो आती है। और मैं नेक्स्ट में मैं बीन वैक्स आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं रीका भी दिखाऊँगी। तो इसकी जो वर्क है ना, वो मैं कंटिन्यू ले रही हूँ थोड़े टाइम से, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को इसकी एक्सपीरियंस बताई है कि ये वाली वैक्स मैं क्लाइंट्स को भी देती हूँ एंड मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, तो इसका जो रिज़ल्ट है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इसका जो बजट है, अगर आप अंडर आर्म्स एंड आर्म्स करवाते हो तो 600 का ये पड़ता है। ये रीका वैक्स थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। ये वाली वैक्स अगर आप अंडर आर्म्स भी कराते हो तो आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा, अगर आप अंडर आर्म्स एंड आर्म्स पूरा करवाते हो तो आपको 600 का पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आपको पता है रीका वैक्स के बारे में एंड ब्राज़ीलियन वैक्स के बारे में, तो बहुत अच्छी रिजल्ट है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो कि मैं कौन सा वैक्स करवाऊँ, कौन सा वैक्स लूँ और किसका बजट क्या है, तो कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी वैक्स लूँ, कौन सी वैक्स सबसे अच्छी रहेगी, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप चॉइस कर सकते हो कि हमें कौन सी वैक्स लेनी चाहिए। तो इसके बाद आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल पे न्यू हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।